सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इतना अमेजिंग बिजनेस है, आने वाले पीरियड में इस बिजनेस में किस तरह के मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ होने वाली है। वो जानने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि आज हम कहां पे खड़े हैं। इंडिया का जीडीपी 273.1 लाख करोड़ है 2022-23 के डेटा के हिसाब से। लास्ट 10 साल का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12.5% के आसपास है। करेंट हाउस होल्ड सेविंग रेट है करीब करीब 20% के आसपास, और आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल सेविंग का शेयर है करीब करीब 35% के आसपास एज पर डेटा अवेलेबल ऑन 2021-22। उसमें से जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा आता है वो आता है 6.3% के आसपास। तो अगर हम सारा कैलकुलेशन के तो अज्यूम्ड इनफ्लो म्यूचुअल फंड में 1,20,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, आया है 1,64,000 करोड़ रुपया। ये साल दर साल टैली नहीं होता, बट 3-4 साल में नंबर एकदम टैली होते हैं। अगर हम टोटल देखें इंडिविजुअल इन्वेस्टर की असेट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर है इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट में, वो करीब करीब 20,00,000 करोड़ रुपए के आसपास है। उस 20,00,000 करोड़ की असेट में 80% असेट इज एक्चुअली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, 20% असेट डायरेक्ट है, 80% थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर है। ये रेशियो पहले 89% डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता था 5 years बैक, आज वो 80% है। अब इसके ऊपर हम अज्यूम करें खाली आपको 90 basis points की कमीशन मिला है, तो पूरे साल में आपको करीब करीब 14,000 करोड़ के आसपास कमीशन मिला है इस साल में 21-22 में, 22-23 में तो नंबर और भी ज़्यादा है। अब हम आते हैं कि अगले 10 साल में क्या पोटेंशियल हो सकता है। इंडिया का जीडीपी 12.5% के आसपास ग्रो होता रहे, हाउस होल्ड सेविंग 20% के आसपास रहे, फाइनेंशियल सेविंग 35% के आसपास ही रहे, म्यूचुअल फंड में एलोकेशन उतना ही आया जो पिछले साल आया, और जो हमने अज्यूम किया कि अभी एक्चुअल डेटा 80% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू असेट आती है, आने वाले पीरियड में हमने अज्यूम किया कि खाली 60% असेट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आती है, वो हुआ। और अभी जो 90 basis points हमने कमीशन डिस्कस किया उसमें भी 30% की गिरावट आ गई। ये सब होने के बाद भी आने वाले 10 साल के पीरियड में हम वैल्यूएशन गेन भी खाली 8% लेते हैं। ये सब होने के बाद भी जो 14,000 करोड़ का जो कमीशन पूल है वो 10 साल बाद 43,000 करोड़ के आसपास होगा, मतलब यहाँ से 3 गुना ज़्यादा। तो ये तो है म्यूचुअल फंड बिजनेस की चमत्कार। अब उसके अंदर देखेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में क्या चेंज हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। 2013 जब पहली बार डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में लॉन्च हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में किस तरह के बदलाव आए। तो 2013 में जो ब्रेकअप था असेट का, 13% वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई प्राइवेट सेक्टर बैंक, 3% वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई पब्लिक सेक्टर बैंक, 11% वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई फॉरन बैंक, 62% was contributed by large distribution house and only 11% was contributed by small agent. उसके बाद उसमें हमने देखा क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले लेते हैं हम प्राइवेट सेक्टर बैंक का, जो 13% का शेयर था वो 18-19 में जाते जाते 22% हो गया, और अभी गिर के वो करीब करीब 18% के आसपास है। और वो 22% तब हुआ तब SIP के अंदर अपफ्रंटिंग अलाउड थी, अभी SIP के अंदर अपफ्रंटिंग बंद हो गया है, तो वो शेयर उनका गिर के 18% आ गया। और उनका ज़्यादा फोकस मुझे लगता है अभी इंश्योरेंस और अल्टरनेट प्रोडक्ट के ऊपर चला गया प्राइवेट सेक्टर बैंक का। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हिस्सा 3% था वो बढ़ के 12% हो गया, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इज कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू देयर ओन AMC। थर्ड है फॉरेन बैंक का हिस्सा जो 11% था वो गिर के 4% के आसपास हो गया, तो मैसिव ड्रॉप है फॉरेन बैंक्स के शेयर के अंदर। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जिनका हिस्सा 62% था वो गिर के 47% हो गया, और जो स्मॉलर एजेंट है उनका हिस्सा 11% से बढ़ के 19% हो गया। अभी आप देखें इस जिस इंडस्ट्री में जहां की पिछले 10 सालों में AUM 6 से 7 गुना बढ़ा है, उस जहां डायरेक्ट प्लान आ गया, फिनटेक प्लेटफॉर्म आ गया, ये सब पैसिव आ गया, ये सब होने के बाद भी स्मॉल एजेंट का शेयर 11% से 19% बढ़ा है।
उस इरा में जहां कैपिटल गेन हुआ है, उस इरा में जहां नेट सेल पॉजिटिव हुई है, इस इरा में भी स्मॉलर एजेंट का शेयर 11% से 19% बढ़ा है। तो पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, आने वाले 10 साल में देखा कि म्यूचुअल फंड में क्या होने वाला है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले तो बहुत सिंपल है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर्टिकुलरली एट इंडिविजुअल लेवल इज अ ग्रेट बिजनेस इन माय ओपिनियन। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये मैंने डेटा दिखाया सारे पास्ट के, फ्यूचर के डेटा एक प्रोजेक्शन पे है, ऐसा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें, हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे एनेबलर है। Securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.